केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई, भूस्खलन हुआ, जिसमें अब मरने वालों की संख्या लगभग 250 से पार जा रही है। 130 लोग अस्पताल में हैं, 240 की तलाश जारी है। कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा घटनास्थल केरल पहुंच चुके हैं। इससे पहले, केरल पहुंचने से पहले इन दोनों को हिमाचल से भी एक बुरी खबर मिली, जहां पर ये रुके भी, समय भी दिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ने सोशल मीडिया पर ये दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार से हर संभव मुहैया मदद कराई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि हिमाचल में क्या हुआ जिस पर कि राहुल और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को रुकना पड़ा, दुख व्यक्त करना पड़ा। केरल पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी, वहां पर किस तरीके से मिले, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन केरल जाने से पहले हिमाचल प्रदेश से ऐसी खबर आई कि ये दोनों भाई बहन दुख व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। जी हाँ, दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह 9:30 बजे कन्नूर हवाई अड्डे पर उतरे और फिर सड़क मार्ग से वायनाड पहुंचे। पार्टी के महासचिव और अलपुज्जा से सांसद केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ नजर आए। दोनों नेता वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए विभिन्न राहत शिविरों का दौरा करके प्रभावित परिवारों से मुलाकात करते नजर आए। पार्टी द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार राहुल और प्रियंका चूरलमाला भूस्खलन स्थल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर मुपेन मेडिकल कॉलेज और मेपाड्डी में दो राहत शिविरों का भी दौरा करते हुए दिखाई पड़े। केरल पहुंचने से पहले दोनों के हाथ एक बुरी खबर लगी, जिसको कि दोनों भाई बहन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और उस पर दुख भी प्रकट किया। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और बादल फटने से जानमाल का काफी नुकसान हुआ और मौसम विभाग ने आगे भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इन सब के बीच यहाँ जो बादल फटा, जो क्लाउड बस्ट हुआ, उसमें जिन लोगों की मौत हुई और जो उससे पीड़ित हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर दुख जताया। प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटने से कई लोगों की मौत की खबर है, बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, ये हृदय विदारक घटना है, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ये सोशल मीडिया पोस्ट प्रियंका गांधी का आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी ने इस पोस्ट में आगे कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य प्रशासन की कई टीमें पूरी क्षमता के साथ राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। ईश्वर से सभी हिमाचल वासियों को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करती हूं। इस बीच राहुल गांधी ने भी हिमाचल के सीएम से बात की। राहुल गांधी ने इस पर दुख जताया। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा, शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटने और भारी वर्षा से कई लोगों की मृत्यु और लापता होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन घड़ी में सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से बात करके इस विषम परिस्थिति का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद इन घटनास्थलों पर जा रहे हैं। इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रदेश प्रशासन इस संकट की घड़ी में राहत और बचाव कार्यों में प्रतिबद्धता के साथ लगातार सम्मिलित है। सभी लापता लोगों को जल्द से जल्द खोज लिया जाएगा। राहुल गांधी केरल के लिए निकले थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश से ऐसी दुखद खबर आई, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के मुख्यमंत्री हैं, लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव के दौरान वहां एक्टिव रही हैं। चुनावों में जब कांग्रेस को जीत मिली तो प्रियंका गांधी वाड्रा को जीत का श्रेय दिया गया था। ये दुखद घटना हिमाचल प्रदेश में हुई है तब जब दोनों भाई बहन वायनाड के लिए निकल रहे थे। वायनाड में एक बड़ा हादसा, जो कि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन निश्चित तौर पर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लगभग 250 के आसपास लोग लापता हैं। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष भी राहुल गांधी दोनों ही वायनाड पहुंचे थे, जहां उन तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर जहां इस प्राकृतिक घटना से जुड़े जो लोग थे उनका इलाज चल रहा था, वहां वो गए, उस जगह पर गए जहां पर क्लाउड बस्ट की ये भूस्खलन की ये बड़ी घटना आई थी, माफ कीजिएगा, और लैंडस्लाइड की ये घटना निश्चित तौर पर प्राकृतिक आपदा है। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार केरल और वायनाड के संपर्क में हैं और अपनी जो संवेदनाएं हैं, दुख हैं, वो तो प्रकट कर ही रहे हैं। सरकार से संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा मदद की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।